Hey guys, I'm Kaushal, welcome to Listening Another Way, and आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं तुम्हारा क्लास 10th ICSE का महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये चैप्टर CBSE में भी 12th की हिस्ट्री में आई थिंक, तो अगर तुम वो देख रहे हो, अगर कोई है तो वो भी देख सकता है, बिकॉज जो चीज़ें हैं ये सेम ही रहेंगी, बस थोड़ी भाषा बदल जाती है, वो मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि मैंने अपनी हिस्ट्री की वीडियो काफ़ी देर पहले डाली थी और अब मैं डाल रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, वो रीजन्स अलग थे, वो कभी और डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली ये वीडियो तुम्हारे बोर्ड के लिए ये चैप्टर करा देगी, ठीक है, करा देगी। इन द सेंस क्या करती है ये वीडियो, मैं क्या करता हूँ यार, कोई भी वीडियो को तुम्हारी कोई रेफरेंस के लिए मैंने ये टोटल हिस्ट्री सिविक्स लिया, कोई और बुक आई सी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगी। तो हम जैसे तुम्हें पता ये स्टाइल मेरा स्टाइल, अगर तुम न्यू को मेरा नहीं पता होगा, हम एक एक पेज एक एक लाइन एक एक कोशिश करते हैं एक एक लाइन को अच्छे से समझने की। और ये सब टॉपिक्स हैं जो आज कवर होंगे वीडियो में, पूरा सारा कुछ ही है, सिविल डिसोबीडियंस है, नॉन कॉपरेशन है, एंड अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है, एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो एक पेज है उनके वो भी डिस्कस करेंगे। अब मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू या फिर महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि ही कंप्लीटली डोमिनेटेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1915 टू 1948, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उनको लाइक करना ही चाहिए, तुम्हारे अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तुम्हारे अपने व्यूज़ हो सकते हैं, अगर तुम पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो किसी तरफ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम चाहे फेवर में हो, चाहे कहो उन्होंने गलत किया, चाहे सही किया, मतलब आई रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। बट कई लोग होते हैं जो कहते हैं, पर उसके लिए तुम अपने नंबर नहीं कटवाओगे, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छा मानो बुरा मानो, पर उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इंडिया के लिए, ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि सब कुछ जो किया था वो सब ही सही था, अब ये पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है, पर बेसिकली जो किया था हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम इतना तो मान सकते हैं कि उन्होंने इंडियन जो नेशनल मूवमेंट काफ़ी अपना असर दिखाया था, ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस पीरियड उन्होंने गांधी एंड नेहरू इन द इंडियन हिस्ट्री के, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया था, कि वही हेड बन गए थे, पूरा ऊपर आ गए थे, पूरा लोगों की आवाज़ बन गए थे, वगैरह सब जो भी बोलते हैं, ठीक है। अब अर्ली लाइफ देखो, अर्ली लाइफ के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते, पर फिर भी हम एक बार मैं फटाफट रीड कर देता हूँ थोड़ा ना स्पीड बढ़ा के, ताकि तुम्हें बस एक बार सुन लो, अपनी किताब खोलो, सामने पढ़ते रहो, साथ में सुनते रहो, दो सेंसेस लगेंगे, अच्छे समझ आ जाएगा, वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। सो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन द काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। हिज फादर वॉज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। इन 1888 ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्टडीज केम बैक टू इंडिया, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ एट राजकोट फ्रॉम 1893 टू 1914 प्रैक्टिस लॉ इन साउथ अफ्रीका। तो क्या होता है ये, महात्मा गांधी जी पोरबंदर में, कहाँ, गुजरात में, है ना, गुजरात में पैदा हुए थे 69 में, 1869। उसके बाद क्या हुआ कि 1888 में 1889 मतलब 19 साल की उम्र में वो चले गए इंग्लैंड लॉ पढ़ने, वहाँ से अपनी डिग्री वगैरह करी, सब करिया, फिर वो इंडिया आए, दो साल प्रैक्टिस करा, पर यहाँ पे ज़्यादा केस वगैरह मिले नहीं उनको, मतलब इतना वो लॉ के उनकी मतलब पहचान नहीं बनी वगैरह, फिर वो चले गए साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस करने। अब साउथ अफ्रीका में भी इंग्लैंड का ही वो था, मतलब कॉलोनी तुम कह सकते हो उस टाइम पे, ठीक है, तो वही सब था, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी किया। और तुम्हें अगर लग रहा है ना कि मतलब महात्मा गांधी इंडिया के ही हैं, उन्होंने इंडिया के लिए सब कुछ किया है, तो मतलब हाँ इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया, मैं वो नहीं कह रहा, बट वो इंडिया में पहली बार तो नहीं, इन द सेंस जब ये इन सब चीज़ें सही करने, ये सब करने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तब वो 45 ईयर्स के थे, ठीक है, सो ही वॉज 45 टू 46, हम पूरी कैलकुलेशन कर लेना, बट इतनी एज में वो आए थे, तब से उन्होंने शुरू किया अपना ये मतलब मोहनदास से महात्मा बनने का सफ़र, ठीक है, तब शुरू हुआ। तो साउथ अफ्रीका में भी उनको तुम्हें पता है कि वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ, एक बार कहीं मॉल गए थे वहाँ से निकाल दिया गया, एक बार फर्स्ट क्लास मतलब ट्रेन की टिकट थी, टिकट होने के बावजूद भी उनको धक्के मार के निकाल दिया गया था कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हमारे साथ, ठीक है, तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हुई उन्होंने वहाँ पे, फिर इंडियंस के साथ जो होती थी उनको सही किया, ठीक है, कोशिश करी, काफ़ी चीज़ें करी, और काफ़ी मतलब फोर्स किया कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, उनको कानून बनाओ हमारे लिए कि ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए हमें, तो काफ़ी कुछ किया था साउथ अफ्रीका में, पर हमारा चैप्टर उसके बारे में नहीं है। गांधी सून बिकेम द लीडर ऑफ द स्ट्रगल फॉर जस्टिस साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 1893-1914। ही वॉज एंगेज इन द हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिस्ट अथॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। ही फॉर्म द नेटल इंडियन कांग्रेस एंड सफर्ड इम्प्रिजनमेंट। ही स्टार्टेड हिज नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द इंडियन। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हैड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ रीजन एंड इन 1914 रिपील द मोस्ट ऑफ द अनजस्ट एक्ट्स अगेंस्ट द इंडियंस। दस इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल एंड महात्मा गांधी इवॉल्व दिस टेक्निक ऑफ सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी रिटर्न टू इंडिया जनवरी 1915 एंड स्पेंड द नेक्स्ट 4 years ऑफ इन स्टडिंग द इंडियन सिचुएशन ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1917 एंड अर्ली 1919 रीजनल एंड स्ट्रगल्स। तो जब वो आए थे ना तब आके उन्होंने डायरेक्टली नहीं कि मैं बचाऊंगा जी, मैं इंडिया को बचाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वो अपने एक और नेशनल लीडर हैं उनके कहने पे आए थे कि आपने वहाँ पे काफ़ी कुछ कर लिया, यहाँ पे आके भी करो। तो जब महात्मा गांधी आए
तो ये नहीं कि सीधा आके चंपारण में बैठ गए कि मैं तो करें, नहीं वो चीज़ नहीं हुई। सबसे पहले अर्ली लाइफ जो मैं बताया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आए, 1 से 2 साल उन्होंने सिर्फ इंडिया घूमा घूमा, इन सेंस ऐसा नहीं कि जी कभी गोवा चले गए घूमने, कभी कश्मीर चले गए कि जी हम तो ऐसे नज़ारे लेंगे ज़िंदगी के, ठीक है सीनरी देखे, नहीं वो नहीं, लोगों से इंटरेक्ट किया अलग अलग जगह के लोगों से कि क्या दिक्कत है किसे, ठीक है। तो वो सब चल रहा था वहाँ पे। पहले उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में शुरू करता हूँ, पर तब क्या हुआ था कि चंपारण में, सॉरी चंपारण में ना काफ़ी ऐसा वो सब चल रहा था, दिक्कतें हो रही थी इंडिगो कल्टीवेटर्स की। इंडिगो कल्टीवेटर्स की कहानी तुम्हें पता होगी कि गवर्नमेंट फोर्स करती थी कि तुम इंडिगो उगाओ, किसानों को इंडिगो उगाओ उगाओ, ये कुछ है कि 3rd of 20th ना, हाँ तो कुछ ऐसा है कि अपनी तुम्हारी कोई ज़मीन है उसके 20 टुकड़े कर दो, उसमें से एटलीस्ट 3 टुकड़ों पे तुम्हें इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। अब इंडिगो का ना नुकसान भी काफ़ी थे कि वो टाइम, मतलब वैसे हम ज़्यादा मेहनत लगती थी, ज़्यादा रिसोर्सेज लगते थे उसे उगाने में, साथ में उसके जो पैसे वो देते थे वो फिक्स थे कि इससे ज़्यादा हमने देने नहीं, वो भी काफ़ी कम थे। उसके बाद तुमने ये उगा दिया ना, तो उसके बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है बहुत, तो उसके बाद कोई और क्रॉप उस जगह पे उगानी बहुत मुश्किल हो जाती थी, तो काफ़ी नुकसान झेलने पड़ते थे किसानों को। तो ये बंद हो गया था, ठीक है मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, पर इससे 4, 5, 6 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था ना, उससे पहले ही ये लॉ बन गया था, बंद हो गया था कि इंडिगो कल्टीवेटर्स जो इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है वो बंद कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तब क्या करना पड़ा उनको, जो जर्मनी से इंडिगो आता था ब्रिटेन को वो बंद हो गया, ठीक है लड़ाई वगैरह चल रही, तो उनका जो इम्पोर्ट जो करते थे वो बंद हो गया, वो ख़त्म हो गया, उनको ज़रूरत थी इंडिगो की। तो उन्होंने क्या किया, फिर ये रूल फिर से ले गया है कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, इस बार ज़्यादा वॉयलेंट तरीके से, क्योंकि अब ज़्यादा ज़रूरत थी, पहले जर्मनी से भी आता था, अब वो बिल्कुल बंद हो गया इसलिए इनको करना पड़ा। तो जो वहाँ के कल्टिवेटर्स वगैरह थे उनका कोई लीडर था, मुझे नाम नहीं पता, बट कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, उन्होंने इन्वाइट किया गांधी जी को कि आप चंपारण आओ। अब गांधी जी ने अपने जो ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी थी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, पता नहीं अब मुझे, सॉरी मुझे नाम नहीं याद पूरा, बट जो भी थी उसमें उन्होंने बताया था कि मैंने पहले कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुना था टाइप्स करके, और मुझे बुलाया गया, फिर मैंने देखा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, तो फिर बिहार वाली साइड में आई थिंक वहाँ पे होता है। तो क्या हुआ, उनकी एंट्री बैन कर दी गई, तो फिर उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया कि सत्याग्रह करो, तो वॉयलेंटरी उन्होंने लड़ाई नहीं करनी, हमने हमने सत्याग्रह करना, ठीक है। और सत्याग्रह करके उनके फिर काफ़ी काफ़ी फिर चीज़ें हुई थी, ठीक है, अथॉरिटीज़ को लगा कि हाँ भाई हमें करना पड़ेगा, इन्होंने तो काम करना बंद कर दिया है, कुछ कर दिया, तो फिर काफ़ी कुछ हुआ था। अब ये जो है ना, ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस मैं समझ लो, ऐसा नहीं कि पेपर के परस्पेक्टिव से, बट बाकी आंसर्स राइटिंग में तुम्हारी अच्छी हेल्प हो जाएगी अगर तुमने इनके डिफरेंस समझ लिए, ठीक है। सत्याग्रह, सत्याग्रह दो शब्दों से आया, सत्य और अग्रह, सत्य मतलब ट्रुथ होता है, अग्रह मतलब क्या कि इंसिस्टेंस टू होल्ड फास्ट, कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, सत्य पता करने के लिए टाइप्स कुछ, ठीक है। तो गांधी जी सत्याग्रह एक ऐसा ट्रुथ और नॉन वॉयलेंट तरीके से लड़ते थे। गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, तो वो कहते थे कि जैसे ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ जो कानून बना रहे हैं, हमें गलत काम कर रहे हैं हमारे साथ, हम उसके खिलाफ है, हम किसी पर्टिकुलर बंदे के या पूरी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है, बंदे तो सब एक जैसे होते हैं, जो वो चीज़ें कर रहे हैं हम पे वो गलत है, उनके खिलाफ है, ठीक है, उनके लॉज के खिलाफ है वो सब चीज़ें। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं इसमें, अच्छी इन द सेंस कि मतलब पूरे चैप्टर के पर्सपेक्टिव से समझने में, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस के किसी को मारना नहीं है, और गांधी जी तो ये भी बोलते थे कि किसी के खिलाफ बुरा सोचना नहीं है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो चीज़ थी, महात्मा गांधी सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द होल वर्ल्ड ऑफ अचीविंग फ्रीडम फ्रॉम द माइटी ब्रिटिश थ्रू नॉन वायलेंट स्ट्रगल। स्वदेशी, स्वदेशी मीन्स प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम इन वन्स ओन कंट्री एंड यूजिंग दम फॉर वन्स ओन गुड, खुद बनाओ खुद यूज करो, ठीक है, ये स्वदेशी है। एक इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडिया का ही सामान इंडिया में ही बनेगा, इंडिया में ही पैसा रहेगा। वहाँ के क्या हो रहा था, रिसोर्सेज बाहर जा रहे थे, फिर बन के चीज़ वापस आती थी, फिर हम पैसे खर्चते थे वो लेने के लिए, और पैसा भी बाहर जा रहा था, दोनों तरीके से नुकसान हो रहा था हमारा। तो वो था, और मास मूवमेंट साउथ अफ्रीका के एक्सपेरिमेंट ना, मतलब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं कि पूरे साउथ अफ्रीका को ही अपने वो कर लिया कि जी हम लड़ेंगे, क्यों, वहाँ के इंडियंस को ही करना था, पूरे साउथ अफ्रीका की तो लड़ाई थोड़ी थी, मतलब इंडियंस की लड़ाई थी वहाँ पे, जो थोड़ी सी परसेंटेज थी। तो वहाँ पे उन्होंने ये सब करके देखा कि यार इंडियंस जो अलग अलग मतलब रिलीजन वगैरह के, उनको साथ लेके आया जा सकता है मास को इकट्ठे, अगर हमने फ्रीडम लेनी है वो, तब फ्रीडम की बातें नहीं होती थी, ठीक है, ना गांधी जी करते थे ना कोई और, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये 1915 की बात है, तो उन नहीं सॉरी
हाँ 1917 1917 की बात है, तो उसका मतलब ये नहीं कि चंपारण में उस टाइम पे कहते थे जी हमें आज़ादी चाहिए, नहीं 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 छोटा सा कॉज था यहाँ पे। क्या कॉज था कि भाई हमें इंडिगो कल्टिवेटर्स को थोड़ा जस्टिस दो, ठीक है। देखो अब ना अहमदाबाद वाले में क्या चीज़ थी कि गांधी जी के दोनों के साथ रिलेशन अच्छे थे, जैसा मुझे पता लगा, मैं वहाँ पे था नहीं, ठीक है। मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स जो काम करते हैं और जिनकी फैक्ट्रियाँ थी, तो जिस पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में हो रहा था वो, तो तब क्या हुआ अहमदाबाद में उन्होंने, ये हो गया अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया कि हड़ताल वगैरह करने लगे, तो उन्होंने जाके सेटलमेंट कराई। वो कह रहे थे हमने आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ानी, 20% बोनस दे देंगे। जो काम करते थे वो कहते थे हमें 50% चाहिए और हमें मतलब सैलरी बढ़ाओ हमारी 50%। गांधी जी ने जाके दोनों से बात करी, उनको कहा कि 35% बढ़ाओ और 35% पर आपको मानना पड़ेगा। वो नहीं माने मिल ओनर्स इतना, तो फिर वो कहते आप हंगर स्ट्राइक कर लो। तो फिर वो डर के कि जी यहाँ पे मरी ना जाए या कुछ ना हो जाए, तो उन्होंने 35% पे एग्री हो गए थे, मान लिया था। इस बुक में इतना डिटेल नहीं है, और ये CBSE में ज़्यादा होता है, ICSE में इतना नहीं डिटेल में सत्याग्रह पढ़ाए हुए। अब खेदा सत्याग्रह, क्रॉप्स फेल्ड इन द खेदा एंड द पीजेंट्स वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे लैंड रेवेन्यू, द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू फॉर्ज द लैंड रेवेन्यू, गांधी ऑर्गेनाइज द पीजेंट टू ऑफर सत्याग्रह, द पीजेंट रिफ्यूज टू पे द लैंड रेवेन्यू, अल्टीमेटली द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अराइव एट द सेटलमेंट विद द पीजेंट्स। सरदार वल्लभ पटेल बिकेम गांधी फॉलोअर ड्यूरिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम गांधी जी फॉलोअर ड्यूरिंग द स्ट्रगल। दीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन सत्याग्रह ब्रॉट गांधी इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मासेस बोथ द पीजेंट्स इन द रूरल रीजन वर्कर्स इन द अर्बन एरिया। तो फैक्ट्री के साथ क्या हुआ, जो काम करते हैं एम्प्लॉयबल उनके साथ भी हो गए, जो खेती करते हैं उनके साथ भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंडिया के, बट कुछ कुछ एरिया के होने लग गए। और अब अगर हम देखें ना कि जैसे कोई शहर में किसी ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा किया, तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टीचर बन गया कोई, ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, इन द सेंस। तो वही चीज़ वहाँ पर हुई, अगर बात फैली कि हाँ जी गांधी जी ने कुछ ऐसा है कि कुछ वहाँ के किसानों के साथ किया, अब वो भी अपने आप को किसान मानते हैं, किसान प्रा, किसान प्रा कहते हैं ना, तो फिर वो फिर यहाँ के किसान भी खुश हो गए, कहीं और के भी खुश हो जाएंगे, तो वैसे कनेक्शन बनता है। अब ये सब चीज़ें आ गई, अब आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो ये चैप्टर ना लंबा है, हमें लगता है कि बहुत है, पर मैंने तुम्हें कहा कि ये कुछ है नहीं चैप्टर, एक बार तुमने समझ लिया तुम बना दोगे। बेसिकली क्या है, थोड़ी डेट्स वगैरह होती हैं, चलो वो कोई नहीं। अर्ली लाइफ मैंने तुम्हें बताया इंडिया में कब आए, 1915 में, ठीक है, ये हुआ 1917, 1918, 1900 ऐसे है, ठीक है, इन डेट्स पे हुआ। ये चीज़ हमने कर ली, अब ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, बस फिर ये तो एक ही पेज है, हम अभी अभी समझ लेंगे, कोई बात नहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहले, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, ये पैरा जो पहला वाला पैरा होता है ना, इसे बच्चे इग्नोर करते हैं, इसे समझ लिया करो, सारा आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे साथ, तुम समझ लेना। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द कांग्रेस कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश, समझ लो जो पहला वर्ल्ड वॉर था उसमें कांग्रेस ने साथ दिया था किसका, ब्रिटिशर्स का। गांधी जी ने भी फोर्स किया था, फोर्स इन द सेंस ऐसे एनकरेज किया था लोगों को जो यूथ थी कि आप जाओ आर्मी में पार्ट लो, आर्मी में पार्ट लो, क्योंकि उनको ज़रूरत थी, ठीक है, बंदों की। अब गांधी जी ने क्यों किया, कांग्रेस ने क्यों किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये करने से हम उनकी हेल्प करेंगे तो ब्रिटिश हम पे और सिंपैथेटिक हो जाएंगे हमारी तरफ। आज़ादी की बात नहीं हो रही कि अगर हमने इनको वर्ल्ड वॉर जितवा दिया तो हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ादी की तब तक बात नहीं होती थी किसी के दिमाग में, नहीं, ठीक है। हाँ थोड़ा डोमिनियन स्टेटस अलग चीज़ होती है कि हाँ हम अपनी सरकार चलाएंगे, रहेंगे उनके अंडर ही, ठीक है, पर हम अपनी सरकार चलाएंगे, वो चीज़ की बात हो रही थी, ठीक है, धीरे 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 धीरे। पर अभी भी वो पूर्ण स्वराज तो अभी बहुत दूर है, 1929 के एंड में आया था, हाँ चलो जो भी है। अब कहाँ पे क्या, हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, वो चीज़ थी कि वर्ल्ड वॉर में हमने हेल्प करी, तो गांधी जी ने भी कहा था कि जी तुम करो करो करो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट हुई, मतलब खिलाफत मूवमेंट नहीं, जो वो चीज़ हुई थी वहाँ पे उसके अगेंस्ट हमने किया। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, रॉलेट एक्ट आया, एक और चीज़ हुई थी यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, वो यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हारी बुक में मैं नहीं करा रहा ना, सिलेबस में है। तो ये कॉजेज हैं कुछ, वो हम पढ़ लेते हैं कि क्यों हुआ, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी, किसने किसकी वजह से हुआ, ठीक है, बेसिकली। तो अब हम पढ़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन विद इविल इज एज मच अ ड्यूटी इज कोऑपरेशन विद गुड। चलो रॉलेट एक्ट, ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेडिशन कमेटी, सेडिशन होता है, सेडिशन शब्द का मतलब बता रहा हूँ कि किसी का एक्शंस जो गवर्नमेंट के सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं या फिर लोगों को भड़काते हैं काम करने को, दिस इज सेडिशन, ठीक है, ये एक क्राइम। तो सेडिशन कमेटी हेडेड बाय जस्टिस रॉलेट, ठीक है, नाम सेडिशन कमेटी था, उसमें जस्टिस रॉलेट था, इस का नाम नॉर्मली लोग बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए रॉलेट एक्ट, क्योंकि उस बंदा मेन था, चलो जो भी है।
Two bills were introduced in the central legislature in February 1919. The purpose of the bills was to curb the growing upsurge in the country in spite of opposition from the royal jacket was passed in March 1919. अब ये सब तुम सिंपल पढ़ लो, मैं तुम्हें बेसिक बताता हूँ. ये जो दो चीज़ें पास करी गई थी ना, उसमें से एक एक लॉ अप्लाई किया, ठीक है. अब वो रॉलेट एक्ट जो था 1919. अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, इन्होंने कह दिया कि वहाँ पे ना मतलब देखो बेसिकली क्या हो रहा था कि काफ़ी ऐसे बॉम्बिंग्स वगैरह होने लगी थी, थोड़े वायलेंट होने लग गए थे लोग. तो उन्होंने कुछ परसेंट, मैं ये नहीं कह रहा पूरे इंडिया का, थोड़ा सा परसेंट, ठीक है. तो उन्होंने एक लॉ बना दिया, ठीक है, पास भी हो गया, सब बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया. उसमें क्या था कि हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के. और उसके बाद क्या होता था, पहले एक चीज़ थी, अब भी है मतलब, तो जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, अगर तुम किसी को अरेस्ट करते हो तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता है. उसमें वो डिसाइड करती है कि आगे कितनी देर तक, मतलब वो पुलिस की रिमांड बोलते हैं, पुलिस के साथ रहेगा या फिर उसे बेल मिलेगी या व्हाटएवर, या केस ही खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं पता. पर जो भी है वो डिपेंड करता है केस पे, 24 घंटे के अंदर अंदर करना ही करना है, वो है. इसमें उन्होंने वो चीज़ निकाल दी जो भी उस टाइम पे होगा, कि रॉलेट एक्ट में वारंट के बिना कर सकते हैं 2 साल तक, बिना कोई कोर्ट की पेशी के, बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई किसी भी चीज़ के उसे अंदर रखा जा सकता है 2 साल तक. सोचो 2 साल तक बिना कोई बात के भी रख सकते हैं अंदर वो, कि ये थ्रेट है ये, ठीक है. कैमरा ट्रायल, ट्रायल इन सेक्लूजन, कि अलग से ही होगा, अगर होगा तो ऐसे मास नहीं आ सकते वगैरह. रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सस्पेंशन ऑफ राइट्स ऑफ हेवियस कॉर्पस. अब हेवियस कॉर्पस तुम्हें पता है प्रिजनर्स का राइट होता है कि अगर उन्हें कोर्ट नहीं लेके जाया जा रहा तो वो अपील कर सकते हैं कि हमारी सुनो, हमारे ट्रायल करवाओ हमारा, ठीक है. तो वो अपील हेवियस कॉर्पस वो निकलवा दिया, वो रूल मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया, ठीक है. द एक्ट गेम लाइक अ सडन ब्लो टू द इंडियन वेरीवर एक्सपेक्टिंग सेल्फ गवर्नेंस. गांधी जी ने कहा ना कि हम सोच रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करने के बाद हमें ये सब मिलेगा, वो सब मिलेगा, उसके बाद भी हमने कितना कुछ किया था. मैंने ये तो चलो छोटी छोटी चीज़ें थी पर मिलेगा, ऊपर से आ गया ये एक्ट. हमें लग रहा था आज़ादी की तरफ जा रहे हैं हम, एटलीस्ट डोमिनियन स्टेटस की तरफ जा रहे हैं हम, और उधर से आ गया रॉलेट एक्ट कि हम किसी को जेल में डाल देंगे. बताओ. एक और था इसके साथ जो पास नहीं हुआ था इन्होंने, या हो गया था वो भी इसमें लिखा नहीं होगा, वो था कि अगर तुम्हारे कोई भी अखबार वगैरह मिल जाती है ना जो बैंड है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ है, जो बना रहा है, जो लिख रहा है एडिटर वगैरह जो भी, उसको तो अरेस्ट किया ही जाएगा. तुम्हारे घर पे मिल जाती है तुम्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है. इतना सा एविडेंस भी मानने लग गए थे वो, क्या कुछ भी किसी भी वजह से अरेस्ट करना कि ये एविडेंस है जी, चलो जी अरेस्ट, बताओ, ठीक है. तो ये सब था. तो अब उन्होंने अपील करी वाइसरॉय से कि ये जो इतना है तुम गलत एक्ट कर रहे हो गांधी जी के, मत करो. पर गांधी जी की सुनी नहीं गई वाइसरॉय ने, और फिर उन्होंने कहा कि सत्याग्रह मैं शुरू करता हूँ ऐसा चैलेंज टू गवर्नमेंट. द रॉलेट सत्याग्रह, और रॉलेट सत्याग्रह बोलते हैं उसे, एमर्ज्ड एज द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हाउएवर इट वाज लार्जली कन्फाइंड टू सिटीज ओनली. इन अप्रैल 1919 देयर अकर्ड अ नंबर ऑफ डेमोंस्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स इन द कंट्रीज. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस द एंटी ब्रिटिश रेबेलियन. इन फैक्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर इन द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल डायर ऑन अमृतसर ऑन अप्रैल 13th 1919 वाज अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन. अब यहां पे क्या हुआ कि ना प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में, मतलब हर जगह ही कर रहे थे, मैं तुम्हें एग्जांपल सॉरी बता रहा हूं, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में, लोग जो इंडियंस थे वहाँ पे पुलिस पकड़ के ले गई 2 ऐसे बहुत तकड़े लॉयर्स को, जो पहले अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी उन्होंने कि हम जी स्ट्रगल में इस बांट लेंगे इंडियन नेशनल. अब वो उन लॉयर्स को, वो उन लीडर्स को बेसिकली, अगर उन जब उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या हुआ कि पंजाब के लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो हमें उनके खिलाफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, लड़ाई वगैरह की बात नहीं हो रही थी, कि हम जैसे आंदोलन करेंगे, इकट्ठे मिलकर बातचीत करेंगे, ठीक है, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे. और तब बैसाखी भी थी तो सब मतलब सभी होता है ना, तुम देख लो कि इकट्ठे वैसे भी मेले मूले में आए होंगे कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग, मेजॉरिटी आए थे इकट्ठे होने. अब 12 को 13 को हुआ ना, 13 अप्रैल को, तो 12 तारीख को क्या किया जो जनरल डायर था, मतलब ऊपर से जो क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, ये हो गया गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया कि एक इशू कर दिया एक चीज़. उनको पता था कि ये सब हो रहा है जलियांवाला बाग में भी कल होने वाला, और काफ़ी जगह पे, ठीक है, लोग इकट्ठे हो रहे थे. तो उन्होंने एक चीज़ इशू कर दी, जैसे हम आज के टर्म में बोल देते ना कि इकट्ठे नहीं होना, इमरजेंसी लग गई या कहीं कुछ हो गया, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है, वो कुछ लॉ कुछ था मुझे याद है, ठीक है, मैं उस टाइम पे जिंदा नहीं था, ठीक है. तो वो कर दिया. अब 12 तारीख को किया ना, जब टीवी होते थे ना कुछ होता था, उनको 13 को कैसे पता लगना था, ठीक है. बेसिकली मतलब चलो कुछ पर्सन लोगों को पता लग भी गया, 12 तारीख को बिल्कुल रात को वो लॉ अप्लाई कर रही है तुमने, 13 तारीख को उन्होंने पहली कब के सोचा हुआ कि हम इकट्ठे होंगे. अब जब वो इकट्ठे हुए तो फिर वहाँ पे जनरल डायर आ गया. जनरल डायर एक ही रास्ता होता है, ठीक है, अगर मैं
तुम अगर नहीं गए तो मैं बता दूँ एक ही रास्ता जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री का, ठीक है। अब तो मतलब उसे पूरा ऐसा वो बना दिया ना एक मेमोरेबल टाइप, तो वहाँ से गए वो लोग, रास्ता ब्लॉक कर दिया, कहीं से जा सकते नहीं, और बिना कोई वार्निंग के। नहीं तो जब भी गोलियां चलती हैं वार्निंग दी जाती है, जब भी कोई चीज़ कोई बंदा भाग रहा है वो कहता है मैं तो मार दूंगा, पर वो भागते रहते तो उसे मार दिया जाता है, ठीक है। अब ये अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, पर वो चीज़ हुई नहीं, सीधा जाके कर 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 दिया। उन्होंने कहा कि 200-300 बंदे मरे हैं, पर जो जितने भी लोग थे वहाँ पे जो जिंदा थे उन्होंने कहा कि यार 1000-2000, 1000-1200 कुछ थे लोग, ठीक है, 1000 से ज़्यादा थे। उन्होंने ये कहा कि गिने नहीं हमने, पर देख के पता लग ही जाता है। और उन्होंने 1600-1700 गोलियां चलाई थी, तो ऑब्वियस सी बात है। और तब भी क्या हुआ कि उनकी गोलियां ख़त्म हो गई तो वो रुके नहीं, तो ऐसे नहीं रुके थे, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी वो दर्दनाक तुम कह सकते हो, और काफ़ी वो था कि ये बहुत तकड़ा बहुत बड़ा कोज बना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, ठीक है। और रॉलेट एक्ट का मैंने तुम्हें ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी काफ़ी किया उन्होंने, काफ़ी धर्मों के सब लोगों को इकट्ठे करवाया, ठीक है, गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट करवाने को। उसके बाद जलियांवाला बाग में तुम्हें बता चुका ना क्या क्या हुआ, ठीक है। अब ये वैसे तो तुम्हारी बुक में है नहीं, बट मैं भी पहले बचपन में बहुत कन्फ्यूज़ होता था, ये समझ लेना। जनरल डायर जो वहाँ पर गया, जो यहाँ पे आर्मी थी वहाँ पे लोग थे पीछे, जैसे मैं नहीं हूँ, पर वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसने ऑर्डर दिया शूट शूट देम, जो भी बोला हुआ उन्होंने शूट किया, वो जनरल डायर था। एक उसके ऊपर उसका हेड, तुम जैसे अब हम कहते हैं ना कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, मतलब जो भी है सूबेदार जो भी है DSP, फिर वो ऐसा कोई ऊपर रैंक का बंदा, वो था जनरल ओ डवायर, डायर डवायर, थोड़ा मैचिंग आई नो, जनरल ओ डवायर था। उसने बाद में इसका साथ दिया कि ठीक है इसने मेरी परमिशन दे दिया ये वो जैसे, ठीक है। सरदार उद्धम देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, फिर जनरल ओ डवायर को सरदार उद्धम जी ने मारा था, पता नहीं कितने साल बाद, 15-20 जितने भी साल बाद, इंग्लैंड वहाँ पे लंदन में, इंग्लैंड में मारा था, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद काफ़ी लोगों ने हड़तालें वगैरह काफ़ी कुछ हुआ, पर उसके बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने थोड़ा सा ऐसे यू नो जैसे वो कहते हैं कि इतनी सी टॉफी सी दे दी हमें कि जी हम इतना सा चेंज कर देते, इतना सा चेंज करते, इतना कुछ करके इतना से चेंज से तो बनना नहीं था। उसके बाद भी पर एक और चीज़ हुई जिसने असली में आग लगाई, ठीक है, यहाँ पे इसमें इसकी वजह से, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज डिफीटेड एंड द ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड, ठीक है। पहले वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गई थी और जो ऑटोमन एम्पायर थी बहुत बड़ी थी, ठीक है, उसको डिवाइड कर लिया गया था। अब द सुल्तान ऑफ टर्की हु वॉज अ कैलिफ वॉज डिप्राइव ऑफ ऑल अथॉरिटी, कैलिफ वॉज लुकड अपॉन लार्ज सेक्शन में मुस्लिम एज द रिलीजियस हेड, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़ी पोस्ट मानते होंगे, ठीक है, मुस्लिम इन अ रिलीजन के जो टर्की का प्रेसिडेंट या टर्की का सुल्तान जिसे बोलते हैं वो कैलिफ है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है, ऐसा मानते थे उस टाइम पे। दे फेल्ट दैट एनी वीकनिंग ऑफ द कैलिफ पोजीशन वुड एडवर्सली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट टर्की, ठीक है। द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया स्टार्टेड पावरफुल एग्रिटेशन नोन एज द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली फोटो भी बनी है, एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में काफ़ी हिस्सा लिया था, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मौलाना आज़ाद हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। द खिलाफतिस्ट फॉर्म्ड अ 3-पॉइंट प्रोग्राम, द ऑटोमन कैलिफ शुड रिटेन हिज एम्पायर, जो ऑटोमन कैलिफ है, ठीक है, जो सुल्तान था टर्की का, उसे अपनी एम्पायर रिटेन करने दी जाए चाहे वो हार गया पर उसे दी जाए। द कैलिफ मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशियंट टेरिटरी टू इनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ, ऐसा। अब उन्होंने ज़मीन तो जब्त कर ही ली इंग्लैंड, तो उनको कुछ एटलीस्ट ज़मीन दी जाए, कुछ मतलब ज़मीन ऐसा नहीं कि इतनी सी दे दी, पर कुछ टेरिटरी दी जाए, ठीक है, एक दो सिटीज़ है जो भी है बड़ा, कि इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर पाए। एंड थर्ड द अरब लैंड्स अरेबिया सीरिया आयरलैंड इराक पैलेस्टीन मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल। खिलाफत डे वॉज ऑब्जर्व ऑन October 17, 1919 ऑन ऑल इंडिया, ये सब, ठीक है, 1919 में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को ऐसे देखा कि हिंदू मुस्लिम को इकट्ठे लाया जा सकता है इसमें। और अब तुम कहोगे ये क्या उन्होंने फ़ायदा उठाया क्या, पर ये ज़रूरी भी था। अकेले हिंदूज़ या फिर अकेला कोई भी एक रिलीजन पूरे इंडिया को आज़ाद करा सकता वो मुश्किल था, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया का ही है, बांग्लादेश भी इंडिया का ही है, ठीक है। तो वो एक ही, अगर तुम्हें लग रहा है ना अब इंडिया में कितनी पॉपुलेशन होगी मुस्लिम्स की, अब भी काफ़ी है, बट उस टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश सब वही था, ठीक है, तो मिलजुल के रहते थे, तो समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं।
कि हमने इतना तो समझ लिया कि क्या क्या हो रहा है अब, नहीं पहले हम खिलाफत मूवमेंट का यही है देखो, वुड बी एन एम्प्टी फेस इफ द हिंदूज होल्ड अ फूल द मुस्लिम्स इन द वाइटल इंटरेस्ट आर एट स्टेक एंड महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट इन नवंबर 19 ही एडवाइज द खिलाफत मूवमेंट टू नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट. अब August 31st, 2020 द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, पीपल रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, शॉप्स वर पिकेटेड, ये सब चीज़ें होने लग गई. अब बाय द एंड ऑफ 1920 द खिलाफत मूवमेंट एंड द कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मर्ज्ड इनटू वन नेशनल वाइड मूवमेंट. अब पहले क्या हुआ यार कि गांधी जी ने कह दिया था कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं 1 अगस्त या कब उन्होंने शुरू कर दी अपने एंड से थोड़ी बहुत, ठीक है, तो आगे आएगा वैसे अभी, पर हम बेसिक इतना समझ रहे हैं. उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, जो मुस्लिम्स थे जो खिलाफत मूवमेंट में थे उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली ज्वाइन किया, तो सब इकट्ठे आ गए फिर एंड में साल के एंड तक आई थिंक. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि पहले कांग्रेस समझती थी कि ये चीज़ें तो गलत है, वो पहले तो बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी सेम वही चल रहा था, पर काफ़ी हद तक वही प्रिंसिपल्स तो दिमाग में वही थे कि पिटीशन करो, प्रे करो, उसके बाद पोलाइटली बोलो, ठीक है, जो भी सब थे 3 P's एंड जो दूसरा था, मतलब मुझे तुम्हें पता है ना, ठीक है. अब सेल्फ गवर्नमेंट एंड खिलाफत, सेल्फ गवर्नमेंट एंड इन सब के अगेंस्ट हम करना चाहते थे ऑब्जेक्टिव्स. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कर दी, पर कांग्रेस का साथ चाहिए था, पर तब गांधी जी कांग्रेस में इतना इन्वॉल्व नहीं थे, वैसे इन्वॉल्व थे, ठीक है, कि हम करेंगे करेंगे, पर ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के साथ थे, ठीक है. तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना, कांग्रेस कहती कि हमें पहले तो मानने नहीं, पर फिर उन्होंने गांधी जी ने समझाया बताया कि जो आप जिस तरीके से चल रहे हो वो 20 साल 30 साल पहले के ठीक थे, अब नहीं चलेंगे, तो अब चेंज करो. तो उन्होंने थोड़ा बहुत सोच के, ठीक है, दिसंबर में जो एंड में उनकी मीटिंग होती है उसमें फिर उन्होंने चेंज की अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन थी उनके, ठीक है, रेजोल्यूशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ऑफिशियली क्या लिखा है 1920 रेटिफाइड दिस रेजोल्यूशन, तो एक्सेप्टेड ऑफिशियली. तो ये हुआ. अब ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इफ़ पॉसिबल एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी, कि अगर हो सके तो अंदर ही, अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर, अगर उन्होंने ज़्यादा कुछ हमारे अगेंस्ट कर दिया तो बाहर, फिर हम अलग होंगे. एमलमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट, एमलमेंट होता है कि नलीफिकेशन, बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना कि ये रद्द कर दिया रॉलेट एक्ट को, एंड जो पंजाब का रॉन्ग किया है उसमें जो लोग थे जनरल डायर वगैरह थे उनको सज़ा मिले, और उसके बाद अपॉलोजी वगैरह जो भी होता है, ठीक है, मिस हैपनिंग्स की अपॉलोजी दे, रिग्रेट करे, वो सब जो हुआ. रेमेडिंग द खिलाफत रॉन्ग दैट इज द ब्रिटिश रूल ने लीनियर एटिट्यूड टुवर्ड्स टर्की एंड रिस्टोर इट्स होल स्टेटस ऑफ सुल्तान ऑफ टर्की, ठीक है, तो जो उनकी खिलाफत मूवमेंट की जो चीज़ें थी वो भी इन्होंने अपने रेजोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव्स में डाल दी. अब जलियांवाला बाग की मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, वह एक और चीज़ बताऊँ, तो वो ये भी था कि जनरल उन्होंने अपना एक और लॉ बना दिया था, ठीक है, उसके वहाँ पे जो भी हुआ उनको कभी सज़ा ही ना मिल पाए, ठीक है, तो उनको अभी भी सज़ा नहीं मिली. बाद में चलो जनरल डायर को वापस बुला लिया था उन्होंने, ठीक है, इंग्लैंड में, कि आप आ जाओ आपके उन नौकरी से, कि वापस आ जाओ आप, काफ़ी विद्रोह वगैरह हो रहे थे, पर वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कोई सज़ा मिली हो, नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसके सैलरी मिलती थी, फिर बाद में पेंशन भी मिली, तो ठीक है वो चीज़ थी. अब हम पढ़ते हैं प्रोग्राम क्या कहते हैं. प्रोग्राम तुम्हें पता है दो थे, बॉयकॉट स्वदेशी, बॉयकॉट स्वदेशी, ये साथ में ही चलते हैं. अगर हम बाहर की चीज़ को बॉयकॉट करेंगे तो हमें अपना भी तो बनाना पड़ेगा ना सस्टेन करने के लिए, तो वही चीज़. अब बॉयकॉट क्या है, गवर्नमेंट स्कूल को बॉयकॉट कर दो, कॉलेजेस को वगैरह को बॉयकॉट कर दो, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो, इलेक्शन से होने थे उसे बॉयकॉट कर दिया, जो रेजिग्नेशन जो सीटें मिली हुई थी उससे निकल गए, और सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर ऑफ ऑफिशियल टाइटल्स, मतलब ऐसे सर सामने लगता था वो बहुत ऐसा दिया जाता था उनके द्वारा, ठीक है, तो वो चीज़ों का उन्होंने कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट फंक्शंस, वो भी निकल गए. अब स्वदेशी, स्वदेशी का भी यही था कि पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी एंड खादी बाय खादी वगैरह के, खुद चलाओ चरखा चलाओ वगैरह सब, ठीक है, नेशनल स्कूल्स खोल दिए, और जो कोर्ट्स पंचायत जो हैं, पंचायतें जो हैं उनको कर दिया कि हमें इनकी सरकारों की, इनके लॉज की ज़रूरत नहीं, इनके कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, हम अपने ही पंचायतें खोल देंगे. डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हुई स्वदेशी प्रोग्राम से. रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर मेजर्स फॉर हरिजन वेलफेयर, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी वगैरह को भी कम करने की कोशिश करी. एंड इमेंसिपेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, इमेंसिपेशन मतलब उनको राइट्स देना, ठीक है, तो वही सब वुमेन को भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, इसमें. तो कॉजेज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स हमारे हो गए. अब है एक्टिविटीज़, क्या क्या हुआ उसमें, इसमें थोड़े नाम वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत डील करना पड़ेगा, ठीक है. अब द नेम एंथुसियाजिकली रिस्पॉन्डेड टू द नेशन, सॉरी, एंथुसियाजिकली रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ गांधी जी. द पीपल वर रेडी टू प्रैक्टिस नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट इन एवरी फील्ड, ठीक है, जो लॉयर्स थे
उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हमने नहीं करना मोतीलाल नेहरू। अब जो आगे तुम पढ़ोगे ना, वैसे तो नहीं पढ़ोगे, ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये नेहरू मतलब वो नहीं है जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो पीएम थे, नहीं ये है मोतीलाल नेहरू, उनके फादर ही है ना। अब यहाँ पे मैं गलत हुआ, मुझे बहुत गलियाँ पड़ेगी, तुझे पता क्या हिस्ट्री के बारे में, वही है यार उनके फादर ही हैं दोनों ही, और दोनों ही लॉयर थे, कुछ ऐसा सिस्टम था जितना मुझे पता। चलो एनीवेज, स्कूल लॉयरों ने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल में पढ़ना वगैरह छोड़ दिया, कांग्रेस ने इलेक्शन में लड़ने से वोटिंग करने सब कुछ उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, एंड गांधी जी ने मतलब लोगों ने पैसे क्या कहते हैं गुड्स खरीदना छोड़ दिया, अपनी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद जो जामिया मिलिया इस्लामिया, ये अलीगढ़ में है ना शायद के दिल्ली में पता नहीं, तो जो जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज एस्टैब्लिश एज ए नेशनल यूनिवर्सिटी तब बनाई गई, ठीक है, ये जो चल रहा है 1920, ठीक है, तो तब ये सब हुआ, काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ बनी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो टाइटल्स वगैरह थे, जो तुम्हें कहा ना सर लिखते थे, वो सब करते, वो सब करवा वापस कर दिया, जो भी अवार्ड्स मिले थे वापस कर दिए। पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरसली टू फाइनेंस, तो उन लोगों ने पैसा भी काफ़ी दिया कि फाइनेंस मूवमेंट चलती रहे, अब इतना प्रचार वगैरह करना है फ्री में तो होता नहीं है, ऊपर से उस टाइम पे तो मतलब इंडिया से पैसे भी बहुत वसूले जाते थे वो, तो इसलिए वो भी दिक्कत, तो इसलिए मतलब उसके लिए फाइनेंस लगता था काफ़ी मिला वो भी, एंड काफ़ी मतलब वो हुआ, ठीक है। अब ये एक्टिविटीज़ हैं, इसमें अच्छी बुरी सब आएंगी, तो अभी आगे तुम ये मत कहना कि ये सब अभी तक तो अच्छा हो रहा था, अब क्या हो गया, अच्छा नहीं है, हुआ क्या वो बता रहे हैं। गुजरात मैनी पिज़्ज़ा ऑर्गन नॉन वर्न गवर्नमेंट इन हाईलैंड रेवेन्यू इन फॉरेस्ट, स्वराज बिलीव गांधी राज वॉज अबाउट टू बी स्टैब्लिश्ड, एंड मलाबार में लड़ाई पड़ गई। अब मलाबार में जो मॉपलेस थी लोग थे वहाँ के, तो वहाँ पे एक लड़ाई लड़ाई हो गई, अब किस बात पे हुई थी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट कुछ हिंदूज को उन्होंने मार दिया था काफ़ी, तो उसमें फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को काफ़ी झटका लग गया एकदम से, ठीक है, क्योंकि अब क्यों मारा था वो, ऐसा उनको ऐसा लगता था कि जो हिंदूज है वो एक फ्यूडल सिस्टम बना के चलते हैं कि सबसे ऊपर हम हैं, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, ऐसा वो मानते थे, ठीक है, वहाँ के, तो उनकी लड़ाई वगैरह हुई होगी एंड फिर काफ़ी हिंदूज को उन्होंने मार दिया था, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। इसका खिलाफत मूवमेंट के साथ कोई नहीं था, तुम कहोगे कि मुस्लिम्स थे, नहीं 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 वो नहीं, ये खिलाफत मूवमेंट अलग चल रही थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, इनकी वजहें अलग थी, इनके मतलब जो ये चाहते थे रिजल्ट वो अलग थे, और जो अभी मैंने तुम्हें बताया वो मलाबार वाला वो चीज़ अलग थी, ठीक है। द प्रिंस ऑफ वेल्स केम टू इंडिया 1921, द पीपल बॉयकॉटेड हिज विजिट एंड मुंबई ऑब्जर्व्ड हड़ताल, तो वो जहाँ जहाँ वो प्रिंस जाता था वहाँ पे हड़ताल करते थे, उसकी सड़कें रोक देते थे, मतलब काफ़ी ऐसे करते थे, ठीक है, राइट्स वगैरह। अब वो जो मॉब थी ना उसमें लड़ाई वगैरह हो गई, तो द पुलिस ओपन फायर दिस टर्मिनल ऑफ 3 डेज, देन वो गोलीबारी वगैरह सब चलती रही, ठीक है, मारने वगैरह वाला, और 60 बंदे 59 लोग मारे गए। अब एक्टिविटीज़ पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं कि जो रिप्रेशन सरकार ने क्या किया रोकने के लिए, कुछ तो करेगी सरकार, ऐसे बैठने वाली तो थी नहीं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट टुक सेवेयर मेजर्स टू सप्रेस द मूवमेंट अंडर गांधी जी इंस्पिरेशन, प्रिजन लॉस्ट इट्स दैट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स एक्सेप्ट गांधी जी वर अरेस्टेड एंड टू ले ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी को छोड़ के बाकी जितने भी बड़े लीडर्स थे सब जेल जाके, और लोगों का भी डर निकल गया, वो कहते हैं इतने बड़े लोग भी जाते रहते हैं, हमारे में से भी इतने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो वो ऐसे तीर्थ यात्रा मानने लग गए कि इंडिया के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हाँ कोई क्राइम करके जाओगे तो गलत है ऑब्वियसली, बट जेल जाना अपने देश के लिए हम चाहेंगे, ठीक है। सो द प्रोसेशंस एंड पब्लिक मीटिंग्स वर बैंड, द खिलाफत एंड द कांग्रेस वॉलंटियर आल्सो डिक्लेयर, ठीक है, कांग्रेस को भी डिक्लेयर कर दिया इलीगल, एंड खिलाफत के जो मूवमेंट थी और जो मतलब लोग थे उनको भी कर दिया। एंड तुम्हें पता है कि ये जो पूरी मूवमेंट थी, ऐसे ना गांधी जी ने जब स्टार्ट किया था उन्होंने कहा था कि एक साल अगर हमने ये पूरी कर दी, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ब्रिटिशर्स को जाना पड़ेगा, हमें स्वराज मिल जाएगा, स्वराज की तो नहीं बात होती, चलो एटलीस्ट डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर, और ये भी कहा था कि अगर नहीं मिला तो अगले साल हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले आएंगे, पर नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। अब चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है, तुम्हें पता है चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है, चौरी चौरा है क्या, ठीक है, एक विलेज है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे 5 फरवरी 1922 में हुआ, 1922, अब तुम्हें मैंने इतना तो बताया था कि ये सब 1919 में हुआ, बिल्कुल 1919 के एंड में डिसाइड वगैरह हुआ, ठीक है, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, ठीक है, 20 के एंडिंग में, और 21 में चली, फिर उसके बाद 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट होके फेब में हाँ, तो ये बंद हो गई, ठीक है। अब 1 तारीख को गांधी जी ने कहा था कि हम अगर नहीं हुआ था हम सिविल डिसोबीडियंस ले आएंगे वे सब, ठीक है, हम आज़ाद करेंगे, आज़ाद इन द सेंस डोमिनियन स्टेटस जो भी है। उसके 3 दिन बाद कुछ ऐसा, 3-4 दिन बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। अब ये क्या हुआ,
अब प्रोसेशन ऑफ 3,000 पीस अमाउंट हुआ पुलिस स्टेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पोल्यूशन। अब क्या हुआ कि कुछ पुलिस वालों ने उनके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को पीट दिया। अब पुलिस तो वापस चली गई वहाँ पे, जो वहाँ पे थे अब कितने लोग, 3,000 लोग, 3,000 पीजेंट्स उस पुलिस स्टेशन के आसपास आके जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है, कि वो लड़ाई करने पहले। अब पुलिस ने क्या किया कि पीजेंट्स पे फायर कर दिया। अब कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ डराने के लिए हवा में फायर किया था, कई लोगों ने कहा था कि सही में लोग मर भी रहे थे फायर से, तो जो भी था मुझे नहीं पता, बट फायरिंग स्टार्ट हो गई थी पुलिस की तरफ से। तो जो मॉब थी वो गुस्सा हो गई कि ऐसे कैसे, ऑब्वियसली वो बंदे भी 3,000 थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी ऐसे पूरी तरफ से कि कोई बाहर नहीं निकल सकता और सब मरेंगे। तो 22 बंदे मर गए थे, हाँ 22 पुलिसमैन मर गए थे। अब दिक्कत की बात मेन पता क्या थी, वैसे तो देखो किसी को भी नहीं ऐसा मरना चाहिए था, गांधी जी भी कह रहे थे कि नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई मेनली कि जो 22 लोग थे अब वो मोस्टली इंडियंस थे, ठीक है, पता नहीं सारी थे कि मोस्ट इंडियंस थे जो काम कर रहे थे, बंदे तो इंडियंस थे। अब लॉ वो मान ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की बात रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आ रहे तो उनको मारना पड़ा, पर ठीक है बंदे वो इंडियंस थे। और जो भी था गांधी जी का तो यही असूल था ना कि नॉन वायलेंस वगैरह हो, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया, ठीक है। गांधी जी को काफ़ी ऐसा शौक लगा, उन्होंने कहा कि इंडियंस अभी तैयार नहीं है इतना, ये तो आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे वगैरह, तो आज़ादी के लिए भी तैयार नहीं, तो उन्होंने रोक दिया। 12 फेब को रोक दिया गया, मतलब ये नहीं 12 फेब को एब्रप्टली कॉल ऑफ कर दिया गया। काफ़ी लीडर्स भी दुखी भी काफ़ी हुए, वो कहते हैं यार एक इंसिडेंट के लिए पूरे इंडिया का हम मतलब इतना फ्यूचर थोड़ी हाथ मतलब इतना दाव पे लगा सकते हैं, पता नहीं कितने साल रुकना पड़े इतने लोगों को फिर से इकट्ठे करके फिर से करने में। ठीक है 22 लोग मरे, गलत बात है, हम और ये नहीं कि आगे से वायलेंस होगा नहीं, आगे से भी कोशिश करेंगे ना हो, पर एक बार हो गया तो अब हमें इंडिया का सोचना है कि बस अपने सिर्फ जो असूल हैं उनका ही सोचना है। अगर इंडिया चल रही है तो मतलब बच सकती है तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पर गांधी जी नहीं माने, काफ़ी लोग गुस्से हुए जैसे मैंने तुम्हें कहा। अब ठीक है क्या था, गांधी जी एश्योर्ड जवाहरलाल नेहरू जब वो कह रहे थे कि यार आपने ये क्या किया, तो उन्होंने कहा इफ द थिंग हैड नॉट बीन सस्पेंडेड वी वुड हैव बीन लीडिंग अ नॉन वायलेंट एक्शन, द कॉज विल प्रॉस्पर बाय दिस रिट्रीट, वेदर इज एवरीबॉडी रिस्पेक्टेड। देखो एग्री नहीं किया पर रिस्पेक्ट किया गया, गांधी जी ने कहा है कि उन्होंने ही शुरू किया था तो उनका हक भी है बंद करने का, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। अब गांधी जी सस्पेंडेड द लॉ ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट आज द कांग्रेस मैन टू पे अटेंशन द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कि जो हमने जो दो तीन चीज़ें वो थी ना कि अनटचेबिलिटी को करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वगैरह, ठीक है, स्वदेशी वगैरह, वो सब चलते रहने दो, हम जो कानून तोड़ रहे थे, ठीक है, वो सब चीज़ें हम अभी रुक जाएंगे, कानून तोड़ रहे थे कि जैसे मतलब आंदोलन वगैरह करना, वो सब भी हमने अभी बंद कर दिया। अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, प्रोपेगेटिंग सेडिशन ये सब उन्होंने बोला, उनको अरेस्ट कर लिया गया 10 मार्च 1922 को किया गया 6 साल के लिए, पर 2 साल बाद उनकी हेल्थ कंडीशन को देख के उनको रिहा कर दिया गया था। अब इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बाद हमारी सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेन चीज़ें थी तुम कहोगे कि स्वराज वगैरह ऑप्टेन करने में, जलियांवाला बाग की माफ़ी मंगाने में और खिलाफत प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वो नहीं मिला, वो सही नहीं हुआ, पर इसका ये भी नहीं मतलब कि कुछ भी नहीं मिला, काफ़ी चीज़ें सही भी हुई। क्या चीज़ें, जैसे कि द फर्स्ट इज द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट, ठीक है, तो लोग इकट्ठे आने लग गए, लोगों को इकट्ठे आने, जब एक बार लोग इकट्ठे आ गए तो अगली बार भी आ सकते हैं, एटलीस्ट उनके दिल में एक वो फीलिंग तो आ गई ना नेशनलिज्म टाइप्स की थोड़ी बहुत, तो इम्पैक्ट ये फ़ायदा हुआ, ठीक है, अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, लोगों में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार हम कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, हम मतलब वो ऐसा नहीं कि इनएविटेबल हैं, हम उन्हें हरा भी सकते हैं। सो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस अटेम्प्ट टू डिफाई ओपनली ऑफ फॉरेन रूलर्स एंड द गवर्नमेंट दे हैड सेट अप वाज बॉर्न अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, बिपिन चंद्र पाल ने कहा। बिपिन चंद्र पाल ये पहले जो तीन बाल पाल लाल, हाँ मैंने कहा नाम पढ़ा है ना हमने, तो वो उन्होंने ये कहा कि सही बात थी यार, कॉन्फिडेंस आ ही जाता है एक बार, जब तक कोई चीज़ ना हुई हो तब तक हमें लगता है कि नहीं हो सकती, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। फॉरेस्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो काफ़ी अब तुमने जैसे मैंने तुम्हें कहा कि काफ़ी हिंदूज कांग्रेस के इकट्ठे आए थे, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के लोग भी जुड़े, तो हिंदू मुस्लिम ने एक साथ होकर जंग लड़ी, वो यूनिटी हो गई। प्रोम्यूलेटेड सोशल रिफॉर्म्स, सॉरी प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा सिर्फ ये नहीं था कि हमने बॉयकॉट करना है, स्वदेशी करना है, साथ के और भी प्रोग्राम्स थे, वो क्या थे, वो थे कि अनटचेबिलिटी वगैरह हमने करना है, ठीक है, लड़कियों को राइट्स देने हैं, अनटचेबिलिटी का करना है, तो सोशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी हुए। खादी एक नेशनल मूवमेंट का बन गया कि खादी इज इक्वल टू कि हम नेशनल इंडिया के लिए, नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं खादी पहन के खरीद के। स्प्रेड नेशनलिज्म टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, देश में जब दिल में आ जाती है वो आग तो आ जाएगी, तुम्हारी जितने भी अच्छे देश दिल में ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकता, तुम इकट्ठे हो ही नहीं सकते, एक कॉज के लिए कैसे लड़ लोगे, तो वो चीज़ आ गई। और पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्वराज, स्वराज जैसे मैंने तुम्हें कहा नॉट के
आज़ादी वाला पूरी, जैसे अब है स्वराज, स्वराज लाइक डोमिनियन स्टेटस एटलीस्ट, कि हमने इनके अंडर नहीं रहना, पूरा डोमिनियन स्टेटस हमें पूरा चाहिए। तो वो चीज़ लोगों के दिमाग में आने लग गई अच्छे से कि हाँ भाई ये चीज़ हमें चाहिए। नहीं तो पहले कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स तो मुझे पता है, पिछले चैप्टर्स में तुमने देखे हैं, पिटीशन वगैरह कर दो, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, थोड़े राइट्स हमें दे दो, ये स्वराज चाहिए हमें, ठीक है, डोमिनियन वाला। तो ये होने लग गया। अब फैक्टर्स लीडिंग अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। दिस मूवमेंट वॉज टू बी अबाउट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इन द सेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921-22 सॉट टू ब्रिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय स्टैंड बाय नॉन कॉपरेटिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एन अटेम्प्ट इन पैरालाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्या था कि हम सरकार का साथ नहीं दे रहे, इसमें क्या है कि हम सरकार को काम ही नहीं करने दे रहे, फर्क है, ठीक है, हम नहीं कर रहे। दूसरा है कि हम करने ही नहीं दे रहे, ठीक है, मैं लहज से, ठीक है, क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा, वो मेरा है कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करूँ, मेरे दोस्त बुला रहे, मैं नहीं जा रहा। दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बैट ही मेरे पास है, बॉल ही मेरे पास है, मैं उनको दे ही नहीं रहा, कि मैं तो नहीं खेल रहा, तुम भी नहीं खेल पाओगे, तो वो चीज़ हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या, काफ़ी रूल्स वगैरह ब्रेक करेंगे, काफ़ी करेंगे। अब इस तक बात कैसे पहुंची, क्यों 1930 में ही, क्यों, क्या हुआ उससे पहले? साइमन कमीशन। अब नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक इंडियन स्टैचुअरी कमीशन, पॉपुलरली नोन है साइमन कमीशन, क्योंकि उसका जो मेन मेंबर था साइमन था। एनीवेज, टू इन्वेस्टिगेट द नीड फॉर फर्दर इंस्टीट्यूशन। आखिरी रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आया था एक्ट, ठीक है, उसके बाद अभी का वो देख रहे थे कि अब वो जो थे वो कितने वर्क कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं, थोड़ा बहुत बताऊँ हमें, ठीक है। तो साइमन कमीशन आई, अब वो दिक्कतें ये नहीं कि इंडियंस को कितनी आ रही है, उनको क्या क्या चीज़ें वगैरह, एनीवेज, ठीक है। सो द कमीशन वॉज कॉम्प्रोमाइज। इसमें क्या था कि चलो इंडिया के बारे में पता करने आए, क्या दिक्कत है, ठीक है, सात लोग थे उसमें कोई भी नहीं इंडियन, बताओ तुम इंडिया को कैसे पता कर लोगे, कोई तो इंडियन होना चाहिए, वो कहते नहीं, ठीक है। तो वो एक इनको लगा कि यार ये गलत हो रहा है, इट हैड नो इंडियन मेंबर, हमें लगा कि ये हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट की इंसल्ट है। उसके बाद एट इथ मद्रास सेशन 1927 प्रेसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर अंसारी द नेशनल कांग्रेस सोसाइटी टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज इन एवरी फॉर्म, हर स्टेज पे हम इसे बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का पूरा रेजोल्यूशन पास कर दिया अपनी कांग्रेस के 1927 के सेशन में, मद्रास सेशन में। सो इनफैक्ट साइमन कमीशन यूनाइटेड एटलीस्ट टेम्परेली डिफरेंट ग्रुप्स एंड पार्टीज ऑफ पार्टीज इन द कंट्री, ठीक है, तो वो भी तुम्हें पता है। ऑन फेब्रुअरी 3rd द डे द कमीशन रीच्ड बॉम्बे एंड ऑल इंडिया हड़ताल वॉज ऑर्गेनाइज, वट एवर द कमीशन वेंट इट इज क्रिएटेड हड़ताल, जिसमें तुम्हें कहा पहले हुआ था ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वही चीज़ यहाँ पे होने लगी कि जहाँ भी वो जा रहे थे उनको हड़ताल वगैरह मिलती थी, वो सब मिलता था। तो साइमन गो बैक के नारे काफ़ी लगने लग गए, तो काफ़ी पॉपुलराइज हुआ ये सब। तो अब यहाँ पे अक्टूबर 30, 1928 को बाई लीडिंग अ डेमोस्ट्रेशन एट लाहौर रेलवे स्टेशन, लाल लाजपत राय वॉज ग्रीवियसली इज इंजर्ड, ही लॉस्ट हिज लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ लाठी ब्लोज फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। अब रिकमेंडेशंस क्या थी साइमन कमीशन की? पहला तो डायनार्की शुड बी अबॉलिश्ड एंड देयर शुड बी कंप्लीट ऑटोनॉमी इन द प्रोविंस इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड बट द गवर्नर शुड बी इन ओवरराइडिंग पोजीशन। पहले क्या था कि मेन तो वही राज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स, उसके नीचे थोड़ी सी उन्होंने इंडियन का बुला लिया, तो मैं कहा ना ये कभी कभी बीच बीच में कांग्रेस को लीगल डिक्लेयर कर रहे थे, पर वैसे थोड़े बहुत लीडर्स का कर रहे थे वो सब, उन्होंने कहा कि ये सब तो होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एनलार्ज्ड, ठीक है, उनको और बंदे ऐड करने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर शुड एम्ब्रेस नॉट ओनली ब्रिटिश इंडिया बट ऑल्सो द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर है, उसे ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश इंडिया, जो प्रिंसली स्टेट है उन्हें भी एम्ब्रेस करना चाहिए, वो उनको भी कंट्रोल करे टाइप। गवर्नर जनरल शुड सिलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, ब्रिटिश रूल्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स शुड स्टे इन इंडिया, जितने अभी तक रहते हैं जो पीरियड है उससे ज़्यादा रहने चाहिए। हाई कोर्ट शुड बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे तरीके से, एंड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज टू कंटिन्यू। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अगर इन्होंने हटा दी तो डिवाइड एंड रूल नहीं हो पाता, तो वो कंटिन्यू की जाए, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट है, ये उन्होंने यही कहा था कि जो साइमन कमीशन निकली थी उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, उसके क्या हुआ, बट ये तुम्हारे उसमें है नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज की। अब द कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस हैड सर्वड एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश रूल टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी थी उन्हें मान लो 1929 के एंड तक, या फिर मास मूवमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अब एक साल निकल गया कोलकाता के सेशन का, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ब्रिटिशर्स से नहीं आया, तो नेहरू रिपोर्ट को डिक्लेयर कर दिया गया कि
भाई हम तो हम इसे मान लेते हैं कि अब तो यही हम करना है, हमारा ये अल्टीमेटम बन गया, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 एंड पास रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। 1929 को उनका बन गया कि जी अब हम पूर्ण स्वराज रखते हैं, पूर्ण स्वराज, ठीक है। ऑन द मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31st 1929 जवाहरलाल नेहरू लेड अ प्रोसेशन टू द बैंक्स ऑफ द रिवर रवि एट लाहौर एंड होस्टेड द ट्राइकलर फ्लैग, उन्होंने ट्राइकलर जो हमारा है, ठीक है, झंडा है, उसे लहरा दिया एंड उन्होंने कहा कि जी अब तो हम मतलब अ क्राइम अगेंस्ट अ मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल कांग्रेस। अब उनका इस टाइम पे पूर्ण स्वराज का वो आ गया था कि अब हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये मनाया कब जाता है पहला इंडिपेंडेंस, तुम्हें पता है 26th January 1930 को, मतलब पहली बार मनाया था। उसके बाद उन्होंने जब इंडिपेंडेंस हमें पहली मिल गई तो उन्होंने जो पहले इंडिपेंडेंस डे हम मानते थे उसको रिपब्लिक डे कर दिया, समझ गए। यस, अब द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन जनवरी 1930 एंड डिक्लेयर द फॉलोइंग प्रोग्राम, पहला सिविल डिसोबीडियंस की तैयारी करो, दूसरा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो कांग्रेस है उसे मतलब स्वराज उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो अपनी कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ऑब्जर्वेंस ऑफ 26th of January एज पूर्ण स्वराज डे, फोर्थ रेजिग्नेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, फिफ्थ विड्रॉल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके साथ हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, उनके साथ कोई एसोसिएट करना ही नहीं है अब, ठीक है, अब कोई हमारे पास बचा ही नहीं, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ ही गया 1930 में, 1930 से 1934 में, ठीक है, बंद भी हो गया था पर चलो फिर आ गया था बीच में। एनीवेज, अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन द February 1930 साबरमती आश्रम एंड वेटेड फॉर गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शुरू कैसे हुआ कि इस मूवमेंट से हम कह सकते हैं शुरू हुआ कि गांधी जी ने ना पहले एक अल्टीमेटम भेजा था उनको, फिर से अल्टीमेटम होता है कि लास्ट वार्निंग, हमने एक साल पहले ही भेजी थी कि मास मूवमेंट होगी, करने से एक दो दिन, थोड़े दिन, कितने दिन पहले एक्जैक्टली लिखा नहीं बट कुछ दिन पहले भेजी थी कि ये लास्ट वार्निंग है। दो बार हमने उन्हें वार्न किया आफ्टर वेटिंग इन वेन फॉर, उन्होंने पर कुछ 11 पॉइंट जो दिए थे तुम्हें यहाँ पे लिखे नहीं तो यूपीएससी वगैरह में तुम पढ़ोगे, वो 11 पॉइंट भी आने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, टैक्स वगैरह की एक अलग चीज थी, वो बात थी, और नॉर्मल जो राइट्स वगैरह थे वो भी था कि हमें, चलो ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट विद दिस फेमस डांडी मार्च। अब साबरमती आश्रम से लेके डांडी गुजरात तक चल के जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेच में, काफी दिन लगे थे, 24-25 पता नहीं, इतने कुछ दिन लगे थे वहां पहुंचने में, ठीक है, रात को सो जाते होंगे रास्ते में कहीं पे, बट वो अलग चीज है। तो पहले कुछ थे 76-78 लोग जब साथ में थे, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल फॉलोड हिम, और जब वो पहुंचे तो बहुत बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बहुत ही, ठीक है। गांधी जी वॉयलेटेड द सॉल्ट लॉ, हमने पहला क्या किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, हम अब लॉ भी बहुत तोड़ेंगे, तो उसमें उन्होंने पहला लॉ क्या तोड़ा, सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ था कि तुम ना देखो सॉल्ट लॉ क्या है, सरकार कहती है कि हम लॉ सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट बनानी बहुत ईजी है, क्या करना है, पानी जो आएगा खुद ही तुम्हारा साइड पे पानी आ जाएगा, ठीक है, जो समुंदर का पानी है उसमें से तुम सॉल्ट निकालोगे, उसे इवेपोरेट वगैरह करके जो बच गया वो क्या है, वो सॉल्ट बन गई, उसे तुम बेच दोगे, तो उसमें पैसा बहुत है क्योंकि वो हर घर में चाहिए, ठीक है। तो सॉल्ट काफ़ी फ़ायदा देती थी, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट कोई और सॉल्ट बना ही नहीं सकता, ठीक है, बेच नहीं सकता, ना ही खुद ऐसा के वहाँ पे जाके मतलब बीच पे जाके या कहीं पे एक सॉल्ट उठा के अपने घर पे यूज़ कर ले, वो भी नहीं कर सकता, उठा ही नहीं सकता, सॉल्ट को हाथ नहीं लगा सकते, ये कुछ था, ठीक है। वो लो तोड़ा गांधी जी ने अपने हाथ से, अपनी मुट्ठी में से सॉल्ट भरी, उन्होंने कहा कि अब ये लॉ टूट गया। तो फिर पूरे इंडिया में काफ़ी जगह से ये सब होने लग गया, गांधी जी इज ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब प्रोग्राम क्या चले, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस इन्वॉल्व, सॉल्ट लॉस को डिफाई कर दो, लिक्वर क्योंकि वो उनको प्रॉफिट बहुत देता था उसे बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अब हम टैक्सेस और रेवेन्यूज भी नहीं भरेंगे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस डिफरेंट, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। अब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रेस क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें निकली। अब द मूवमेंट स्प्रेड वेरी रैपिडली, ठीक है, वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ ऑल ओवर द कंट्री बहुत जल्दी होने लग गया, ठीक है, जहाँ जहाँ पानी पानी में ही बनती ना सॉल्ट, तो जहाँ जहाँ पे थी, ठीक है, कोर्स पे वहाँ पे सब यही सब होने लग गया। एवरीवेयर इन द कंट्री पीपल जॉइंड हड़ताल डेमोस्ट्रेशन एंड कैंपेन्स टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, लैक्स ऑफ इंडियंस ऑफर्ड सत्याग्रह, द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड द पिकेटिंग ऑफ लिक्विड शॉप्स वर अ पार्ट ऑफ द डेली पिकेटिंग, मतलब होता है कि उनके सामने जाके रश लगा लेना, हड़ताल करना वगैरह सब, यू नो, ऐसा पिकेटिंग का पहले मुझे मतलब लगता था चोरी करना या मतलब उनके जाके दुकानों पे ऐसे सामान छीन लेके आना, फेंक देना वगैरह, पर फिर मैंने कहा यार ऐसा नॉन वायलेंस वगैरह में तो आता नहीं, फिर मैंने गूगल किया, फिर मुझे पता लगा, ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद द मूवमेंट रीच द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक बार तुम पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है, बेसिकली यही मेन था। ये मणिपुरी की थोड़ी कहानी भी है पर वो तुम्हारी बुक में इतनी दिए गई तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रेशन, सरकार फिर कुछ करेगी, क्या करेगी, चलो
द गवर्नमेंट रिस्टोर टू फायरिंग लाठी चार्जेस एंड लार्ज स्केल इंप्रिजनमेंट ओवर 90,000 सत्याग्रह इंक्लूडेड द कांग्रेस लीडर गांधी जी वर इंप्रिजन द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज ऑन नेशनल प्रेस। ठीक है, काफी कुछ इस बार उन्होंने किया बचाने को, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन था उससे काफी गुना बड़ा था, काफी वो था ना कि लॉ भी ब्रेक करेंगे भी, तो रिप्रेशन भी काफी गुना बड़ा था। पेशावर में ना अरेस्ट हो गया था गफर खान, तो उसके अगेंस्ट लोग हड़ताल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब एक प्लाटून ऑफ गुवाहर सोल्जर रिफ्यूज टू ओपन फायर्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि वो अपने ही लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इन पर गोलियां नहीं चलाएंगे। तो उनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पनिश किया गया था, वो जो प्लाटून था, प्लाटून होता बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, तो उनको किया गया। प्रोटेस्ट मीटिंग्स वर हेल्ड एवरीवेयर ऑन द टेक्सटाइल एंड रेलवे वर्कर्स एंड वही सब चीज़ें। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल्स की यार ये कहानी मैं तुम्हें बताऊँ एक, देखो मैं वैसे तो मैं कहता हूँ मैं पूरी हिस्ट्री करा दूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक तो ये वीडियो लंबी हो रही है और दूसरी चीज़ के राउंड टेबल्स ना या तो तुम बहुत ही डिटेल में समझ लो या बिल्कुल ऊपर ऊपर से, बीच का कोई फायदा नहीं, फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा बैठती है। तो तीन हुए थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, हम उन्हें बोलते हैं। फर्स्ट कब हुआ था, 1930 के नवंबर से 1931 के जनवरी में, दो तीन महीने चलती है, ठीक है, कहाँ, लंदन, ठीक है, तीनों लंदन में ही हुए हैं आई थिंक, ऐसा इनको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखानी पर लंदन में ही होता है मोस्टली। सो द कांग्रेस विच वॉज अनहैप्पी विद द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, अब तब साइमन कमीशन आया था, ठीक है, कब आया था साइमन कमीशन, हमने देखा है पीछे उसी टाइम पीरियड में, मतलब ऐसा नहीं कि आया था और अगले दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं मतलब ऐसा नहीं था, तो उन्होंने कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, उन्होंने ये शुरू नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस के अलावा इंडिया की काफ़ी पार्टीज़ वगैरह आई थी, पार्टीज़ वगैरह जो छोटी छोटी कम्युनिटी की पार्टीज थी, ठीक है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जो थोड़ी तब जाति जो नीची जाति बोलते हैं जिन्हें, मतलब मैं नहीं बोलता, नीची जाति माना जाता है, ठीक है, जो थोड़े वो लोग थे जिनकी उस टाइम पे इज्जत नहीं करी जाती थी, अनटचेबल्स माना जाता था, वट एवर, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके लिए लॉज वगैरह करने के लिए कि कुछ हमें चाहिए, ठीक है, माइनॉरिटी की हमें वो दो, तो वो सब के लिए वो गए थे। और ऐसे काफ़ी अलग अलग मतलब रिलीजन के जो हेड्स थे वो बहुत थे, उनकी पूरी वहाँ पे थी, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया था, कांग्रेस ने मना कर दिया। अब ब्रिटिश समझ गए, वहाँ के लोगों ने, ऑपोजिशन जो ब्रिटिश के ऑपोजिट लोग थे, वो उन्होंने भी कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस के बिना ये सब मीटिंग करना इंडिया के बारे में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इंडिया पूरा कांग्रेस को ही मानता है, ठीक है, एक्सेप्टेड और नॉट, ये हो चुका है। उसके बाद आया गांधी इरविन पैक्ट, कौन सा, गांधी इरविन पैक्ट, सॉरी। अब पहले क्या हुआ कि मानने नहीं, कोई आया नहीं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने, और गांधी जी उस टाइम पे जेल पे थे, कुछ ऐसा सा सिस्टम था। तो इरविन उस टाइम पे जो वाइस रॉय था, उन्होंने गांधी जी के साथ कोई बातचीत करी, उन्होंने कहा कि हाँ चलो कुछ चीज़ें हम करते हैं, कुछ चीज़ें आप करो, उन्होंने ऐसे माना कि आप अगले राउंड टेबल में आओ, ठीक है, तभी हम बातचीत करेंगे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट मान गई कि विड्रॉ, उन्होंने जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे, ठीक है, एंड एंड प्रोसिक्यूशन, उन्हें विड्रॉ कर लिया। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन्होंने कोई एज सच क्राइम नहीं किया था, ठीक है, वॉयलेंस वाला, उनको रिहा कर दिया गया। परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ ब्लॉकेट, मतलब पिकेटिंग मैन में ब्लॉक कर देना उस दुकान को वगैरह, वो तुम पीसफुली कर सकते हो, वो मान लिया। उसके बाद रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रही, जो हम ये सत्याग्रह वाले लोग थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो हड़प लिया गया था वो वापस कर दी गई। परमिट द फ्री कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, के सॉल्ट अपने यूज़ के लिए एटलीस्ट वो मान गए थे कि तुम उसे यूज़ करते हो, तो बेचने के लिए अभी भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, पूरा टैक्स वगैरह जो भी है, पर नॉर्मल अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हो। अब कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ना था, ऐसे तो इतने भी वो नहीं थे कि जी हम तुम्हें दे रहते हैं। तो कांग्रेस ने यह चीज़ें मानी, कांग्रेस कहती कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम थोड़ा अभी सस्पेंड करते हैं, अगले सेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एंड नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस एक्सेसेस, ठीक है, तो हम ऐसे इन्वेस्टिगेट करो जो हम चीज़ें बोल रहे थे वो नहीं करेंगे वगैरह सब, ठीक है। तो इतना हो गया। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है कब, ये उसी साल की एंडिंग में, ठीक है, वो कब हुआ था, जनवरी 1931 में ख़त्म हुआ था, ये सितंबर 1931 में शुरू हुआ। तो इट वॉज अटेंडेड बाई गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंट, पूरी कांग्रेस को गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे सिर्फ, पर इसमें भी ज़्यादा कुछ निकला नहीं था, क्योंकि सब लोग ना अपने अपने हित की बात करने लग गए थे, जैसे मुस्लिम्स बट ऑल्सो द डिप्रेस्ड क्लासेज, इंडियन क्रिश्चन, एंग्लो यूरोपियंस, द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेटिंग अप, वो साइड पर रह गया था, इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं हुई उसमें, बहुत कम हुई। मेन क्या था कि हमें भी कुछ ना चाहिए, हमें माइनॉरिटी, हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीडर द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड, ठीक है, तो वो चीज़ बन नहीं पाई। अब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फाइनल, ठीक है, ये हुई उस साल अगले साल की एंडिंग में, ठीक है, 1932। इट वॉज अटेंडेड बाई 46 डेलीगेट्स, इसमें ज़्यादा लोग आए नहीं, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर नहीं आई, ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए थे, क्योंकि उनको डिप्रेस्ड क्लासेस जो बोला जाता था उस टाइम पे, उनके लिए डिमांड रखी उन्होंने, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रामसी मैकडोनल्ड अलाउंस अवार्ड एज द कम्युनल अवार्ड, ये सब उन्होंने किया, ठीक है, कि और थोड़ा डिवाइड एंड रूल हो, रिप्रेजेंटेशन वाला चीज़ में जाए ये लोग। अब महात्मा गांधी ने इसके बहुत खिलाफ बोला कि इससे लोग और बांटे जाएंगे अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग उसमें, ठीक है, रिलीजन अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके खिलाफ कि हमारे ऑब्जेक्टिव अलग है तुम्हारे अलग है, वो गलत है ना। दोनों रिलीजन अगर सेम इंडिया के ऑब्जेक्टिव रखें वो सही है, तो वो चीज़ नहीं हो रही थी। और 25 सितंबर 1932 एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के और महात्मा गांधी सॉरी महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट हुआ था, इनके एग्रीमेंट में इन्होंने कहा कि हाँ जी हम ऐसे, मतलब जो कह रहे थे ना कि हमें देश चाहिए वगैरह, तो वो मान नहीं रहे थे कि ऐसे ये दे दिया तो फिर इन हमारे लिए जो थी डिप्रेस्ड क्लासेस वगैरह बोला जाता था उनको भी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम आप अलग अपनी माइनॉरिटी मत बनाओ, हम नॉर्मल आपको सीटें ज़्यादा देंगे, ठीक है। पहले 71 थी, 148 कर दी वगैरह, सब ऐसे बढ़ा दिया। अब ये हो गया रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसोबिडिएंस। अब तुम्हें कहा कि दूसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सही नहीं रहा, गांधी जी वापस आए। अब यहाँ पे पता क्या हुआ था, गांधी जी ने मतलब क्या किया, एक फिर से कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया गवर्नमेंट सिविल डिसोबिडियंस फिर से शुरू करो। उतना तगड़े लेवल पे नहीं हुआ जितना पहले था, ऑब्वियसली एक बार चीज़ रुक जाए तो फिर उस लेवल पे शुरू नहीं होती, बट स्टिल काफ़ी कुछ हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्टोर किया एंड कांग्रेस को फिर से डिक्लेयर इलीगल कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह फिर ले ली गई, फिर वही सब चीज़ें उन्होंने लगी। गांधी जी विद्रोह एक्टिव पॉलिसी, एक साल तक गांधी जी ने पॉलिटिक्स में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं की, तो कांग्रेस ने पूरे तरीके से 1934 में फिर बंद कर दी। अब फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़े, देखो सिविल डिसोबीडियंस जो थी वो ना डिड नॉट सक्सीड इमीडिएटली विनिंग एनी फ्रीडम, जैसे कि इसे कोई फ्रीडम नहीं मिली थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कोई एज सच इमीडिएट फ्रीडम नहीं मिली, लेकिन कुछ फायदे हुए। क्या हुए, द मूवमेंट कॉज द टाइड ऑफ पेट्रोटिक फेवर, एंथुसियाज्म आ गया पूरा कि जी हम पेट्रोटिक, अब हमें क्योंकि स्वराज का आ गया ना वो, कि हमें तो पूरा वो चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने फ्रीडम स्ट्रगल को बेस और बड़ा कर दिया, और लोग पार्टिसिपेट करने लगे, और जो सोशल ग्रुप्स थे सब लोग आने लग गए, ठीक है। तीसरा, इट मेड पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, पीपल को रेसिस्ट वायलेंस विद टॉलरेंस एंड करेज, कि बिना लड़े भी, बिना मतलब हाथों से ऐसे वायलेंटली लड़े भी हम जीत सकते हैं। द मूवमेंट ऑल्सो पॉपुलराइज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रभात फेरीज, जैसे हम प्रभात फेरीज होती है ना, तो उस टाइम पे भी ये होता था कि हम पेट्रोटिक गाने सुबह सुबह गाएंगे पूरे ऐसे, तो एक तो क्या वही पेट्रोटिज्म भरेगा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा पता लगेगा कि यार कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा था। उसके बाद द मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरका एंड हरजन सेवक से ना चेंज द सोशल कंडीशंस। अब इसमें भी जैसे मैंने तुम्हें कहा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे हम, वो जो सोशली चीज़ें गलत हो रही हैं उनको भी सही कर रहे हैं साथ साथ में, तो वो सब चीज़ें भी थी। इट बॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड मेक देम इक्वल पार्टनर्स इन फ्रीडम। गवर्नमेंट वॉज कन्विंस देम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म्स चाहिए, फिर 1935 का, 1919 के बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें कुछ रिफॉर्म्स हमें मिले। सो द मूवमेंट रिवाइव द विलिंग टू फाइट द इलेक्शन इन 1937 कांग्रेस सिटी पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसके बाद उन्होंने कहा अगर हम लड़े हम एटलीस्ट जितना हमें मिल रहा है वो तो लड़े हम, तो फिर इलेक्शन अच्छे से लड़े उन्होंने वगैरह से जीतते, ठीक है, इम्पैक्ट हो गया। अब अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, बाबा साहब बोलते हैं इनको, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट थे। अब ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी में तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ देखो पीएचडी करी थी, पीएचडी, ठीक है, पहले बैचलर्स करी, फिर उसके बाद मास्टर्स करी, फिर पीएचडी करी, ठीक है, उसके बाद लॉ का भी कुछ किया था, है ना, हाँ लॉ की स्टडीज भी करी थी, ठीक है। सो ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर एंड एमिनेंट जूरिस्ट। बाबा साहब रेफर्स टू एरेडिकेट सोशल रिफॉर्म, तुम्हें पता है ये मेनली अनटचेबिलिटी और कास्ट रिस्ट्रिक्शंस के ही हित में थे, मतलब उसी चीज़ में ये अपने करते थे, ठीक है, प्रचार करते थे, उस चीज़ के लॉज वगैरह की कोशिश करते थे लेके आने की। ही वॉज पोस्ट ह्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न। अब पोस्ट ह्यूमसली क्या होता है कि डेथ के बाद, ठीक है, मौत के बाद उनको अवॉर्ड किया गया, ठीक है, ऐसा हुआ था। भीमराव अंबेडकर वॉज बॉर्न टू रामजी मलोकर एंड भीमाबाई सकपल ऑन अप्रैल 14, 1891, ठीक है। तो ये उनकी थोड़ी सी कहानी है कि कॉलेज वगैरह, वैसे ये सब नहीं आता पेपर में कि कौन से कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, नहीं, हाँ उनका आएगा बेसिक कंट्रीब्यूशन बताओ, दो तीन पॉइंट्स, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा कहाँ से काम किया, कहाँ से पढ़े, ठीक है, तो वो आएगा उसमें, तो हम लिख सकते हो अनटचेबिलिटी का करना, ये करना, वो करना, ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। वैसे इतने चांसेस नहीं है, वन मार्क वाले में आ सकता है।
ठीक है, तो ये सब था। वाइल प्रैक्टिसिंग लॉ इन बॉम्बे हाई कोर्ट ही ट्राई टू अपलिफ्ट द दलित्स इन ऑर्डर टू एजुकेट देम। ही फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड हिज अटेम्प्ट टू अचीव द भारतीय चेतावनी सभा टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द दलित राइट्स। ही स्टार्टेड मेनी पीरियडिकल्स लाइक मूक नायक एंड इक्वालिटी जनता। बाबा साहब वॉज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी सेट बाय द असेंबली टू राइट द इंडियन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अंबेडकर एम्फसाइज्ड द नीड टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी। 1950 बाबा साहब कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म और अक्टूबर 40 तब उन्होंने क्या किया, पहले तो वो 1950 में खुद हुए, फिर 6 साल बाद उन्होंने एक पब्लिक सेरेमनी रखी जिसमें उन्होंने काफी अपने लोगों को, कितने थे, 5 लाख लोगों को, सपोर्टर्स को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। बाबा साहब पास्ट अवे एट हिज होम अपने घर पे दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को, जब उन्होंने वो किया था ना फंक्शन, उसके डेढ़ दो महीने बाद उनकी डेथ हो गई। ही मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन शेपिंग द मॉडर्न इंडिया। ही इज मिलियंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड डिग्निटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो कि मैं तो अभी तो नहीं कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। मे भी अगर तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हें आंसर राइटिंग की वीडियोस डेफिनेटली दे सकता हूँ कि हिस्ट्री के स्पेशली आंसर्स कैसे लिखते हैं बोर्ड में कि तुम्हें नंबर मिले, और बाकी सब्जेक्ट्स का मैं भी बना सकता हूँ, पर मेरा मेनली इंटरेस्ट है मैं इंग्लिश के आंसर तुम्हें बता सकता हूँ कैसे लिखें, हिस्ट्री वगैरह के बता सकता हूँ, साइंस के एज अ होल बता सकता हूँ, पर एक एक चीज़ आप केमिस्ट्री में तो तुम्हें सिंपल है, यही सब करना है कि फॉर्मूले वगैरह लिखोगे उसमें तो कंसाइज लिख के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। बायो में भी कंसाइज मोस्टली चलता है, तो साइंस तो यही है। मैथ का हाँ स्टेप बाय स्टेप, वो एक थोड़ा मार्किंग का सिस्टम रहता है, बाकी देख लेंगे, ठीक है। अगर ज्योग्राफी का बना तो मैं भी ज्योग्राफी पर, ज्योग्राफी मुझे इतनी पसंद नहीं पर्सनली हिस्ट्री जितनी, पर ठीक है, अगर तुम्हें डिमांड हुई, तुम्हें ज़रूरत हुई तो मे भी एग्ज़ाम से पहले ज्योग्राफी कोशिश करेंगे। हाँ तो अब इतने दिन वीडियो क्यों नहीं आई, आई नो तुम में से मोस्ट लोग इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, और मैं ऐसे सुनाऊंगा भी नहीं, कुछ रीजंस थे इसकी वजह से। पूरी जून मैंने सोची थी वीडियोस बनाऊंगा, एक भी वीडियो नहीं बनाई पूरे जून में, एक वीडियो नहीं बना पाया। जुलाई पर 20-22 दिन जुलाई के, मतलब आधी से ज़्यादा ही जुलाई मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज ऑफ महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो। बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, वो मुझे लेके जाना चाह रहे थे अपने बर्थडे पार्टी पे, उसका बर्थडे, तो पर मैं वीडियो बना रहा तुम्हारे लिए, पता नहीं चले ही ना गए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड कुछ मदद मिली हो तो बता देना, ठीक है, अपने दोस्तों को बता देना कि यहाँ से पढ़ सकता है अगर तुम्हारा कोई इतना अच्छा दोस्त है, या दोस्त नहीं है, सहेली है, ठीक है। सो या तुम्हें पता होगा, जैसे करना कर लो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम शुभम_कौशल9 एंड या नमस्ते, जय हिंद।